हमासान.com की खास न्यूज बुलेटिन में आज हम आपको बताते हैं कि रमजान का पहला रोजा आज से शुरू हो रहा है। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने एक बार फिर समाज के लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही रहकर इबादत करें और नमाज भी अदा करें। साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है और जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है, वे रोजा ना रखें और पहले स्वस्थ हो जाए। इधर क्वारंटाइन और कोविड सेंटरों में ठहरे मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखने के लिए सुबह 3 बजे सहरी करते हैं, लिहाजा इसकी भी मांग की जा रही है। इसकी पूर्ति करना अभी संभव नहीं है, लिहाजा अधिकारियों ने अनुरोध किया है कि रात को दिन में दिए जाने वाला खाना को ही बचा कर रखें और उसको सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंदौर में अधिकांश हॉटस्पॉट यानी कोरोना संक्रमित मुस्लिम इलाके ही हैं। ऐसे में 20 क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां अधिक सख्ती शुरू कर दी गई है। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में लोग फल और अन्य सब्जी खरीदने के नाम पर बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। कल भी बड़ी मात्रा में तरबूज और अन्य सामग्री निगम अमले ने जब्त की है। इधर रमजान भी शुरू हो गए हैं, इसके चलते कल भी कलेक्टर मनीष सिंह ने समाज के वरिष्ठ जनों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि सभी घर में रहें और कर्फ्यू लॉकडाउन का पालन करें। धर्मस्थलों के संबंध में भी कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। वहीं DIG हरिनारायण चारी ने भी समाज के लोगों से अपील की है कि वो घर में ही रहें और बाहर ना निकलें। वहीं शहर काजी डॉक्टर इशरत अली का कहना है कि रमजान का पहला रोजा बरोज शनिचर यानी आज से शुरू होगा और उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो घरों में ही रहकर इबादत करें और तरवीह की नमाज पढ़े। डॉक्टर इशरत अली ने कहा है कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो रोजा ना रखें और पहले अपनी सेहत दुरुस्त कर लें। दरअसल सभी चिकित्सकों से लेकर अधिकारियों को भी समझाने में दिक्कत आ रही है। कई मरीज और क्वारंटाइन सेंटर और कोविड सेंटरों में ठहरे गए संदिग्ध मरीज विजित कर रहे हैं। अभी लगभग 1000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटरों में ठहराया गया है। 46 में से 38 सेंटरों में अभी भी 1000 से ज्यादा लोग ठहरे हुए हैं। जिन्हें 14 दिन पूरे हो जाते हैं उन्हें घर पर भिजवाया जा रहा है। इन सेंटरों में चाय नाश्ते के अलावा 2 टाइम का भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी अधिकारियों से यह भी मांग की जा रही है कि सुबह सहरी के लिए खाना या फल फ्रूट उपलब्ध करवाए जाए। इस पर अधिकारियों ने असमर्थता जाहिर की है, क्योंकि अभी वैसे ही भोजन और नाश्ता अलग से बनवाकर उपलब्ध करवाना पड़ता है और रात को 3 बजे तो परिस्थितियों ऐसी संभव नहीं है। लिहाजा अनुरोध किया गया है कि रात के जो भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जाते हैं उन्हीं में से चाहें तो सहरी के लिए खाना बचा कर रख लें और उसका इस्तेमाल कर ले। अधिक संदिग्ध और कोरोना संभावित लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि वे रोजा न रखें और इस संबंध में अरब देशों में जो फतवा जारी किया गया है उसकी भी जानकारी अधिकारियों द्वारा समाज के लोगों को दी जा रही है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।